ओके सर, तो थोड़ा लाइट चली गई थी इस वजह से बीच में इंटरप्शन आ गया। चलिए, तो हम लिख रहे थे द पर्पज ऑफ टी क्यू एम इज टू इंश्योर अ 0% डिफेक्टिव पॉलिसी। नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट डिफेक्ट अकर होता है एंड देन वी रेक्टिफाई। इट्स बेटर नॉट टू प्रोड्यूस डिफेक्टिव यूनिट, ठीक है ना। सो अब फ्रॉम कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वी शुड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टी क्यू एम सिस्टम एंड टोटल कॉस्ट विद, ऑफ की जगह यहां लिख दीजिए विद, विद विदाउट टी क्यू एम सिस्टम। द सेविंग और रिडक्शन इन लॉसेस शुड बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ टी क्यू एम सिस्टम, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप टी क्यू एम सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर टी क्यू एम सिस्टम हम इंप्लीमेंट नहीं करते तो क्या होता, और अब इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है। अब आप जरा थोड़ा फॉर्मेट में देख लीजिए क्या होता है। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारा मान लीजिए 100 किलो है। ये कहां पर हमने परचेज किया, रॉ मटेरियल हमने 100 किलो परचेज किया, ये कहां पर आया, स्टोर में आया। स्टोर में 100 किलो आया, इसमें मिसहैंडलिंग उठाने रखने की वजह से मान लीजिए हमारा 10 किलो लॉस हो गया, तो यहां पर कितना गया, 90 किलो। ये हमने कहां भेजा, सेंड टू, ये हमने भेजा प्रोडक्शन में। अब ये प्रोडक्शन में सपोज कर लीजिए प्रोडक्शन में जो लॉस हुई वो 10 किलो की हो गई, तो 10 किलो की जो प्रोडक्शन लॉस हुई तो एक तरह से जो इफेक्टिवली यूज हुआ वो कितना हुआ, 80 किलो। अब इसमें या इफेक्टिवली यूज्ड बोले या फिनिश गुड्स बोले, वो सपोज कर लीजिए मेरा
80 किलो हुआ। नहीं नहीं इफेक्टिवली यूज्ड ही है। इसके बाद इफेक्टिवली यूज्ड इन प्रोडक्शन करें इसको, ये तब था जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन था। अब मैंने TQM इंसर्ट कर दिया, TQM सिस्टम कर दिया, तो TQM सिस्टम में ये लॉस 5 किलो हो गई। ये लॉस हो गई मेरी 5 किलो। और ये लॉस भी हो गई मेरी 5 किलो। अच्छा यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं। डिफेक्टिव मान लीजिए मैं कहता हूं 40% मेरे डिफेक्टिव है, तो 32 किलो मेरा डिफेक्टिव आया। तो जो फिनिश गुड्स है वो मेरा तैयार हुआ 48 किलो। और मैंने TQM कर दिया तो मेरी डिफेक्टिव यूनिट्स तो तैयार होंगी नहीं क्योंकि मैं पहले से ही, तो अब सोचिए मुझे 48 किलो इनपुट आउटपुट चाहिए है, तो बैक कैलकुलेशन करूंगा मैं तो मुझे इफेक्टिवली यूज्ड कितना चाहिए 48 किलो। और ऊपर जाऊंगा मैं तो मुझे सेंड टू प्रोडक्शन कितना चाहिए 53 किलो। और ऊपर जाऊंगा तो मुझे स्टोर से इशू कितना चाहिए 58 किलो। यानी कि मुझे परचेज करने की जरूरत कितनी है 58 किलो की। तो देखिए जहां आप 100 किलो माल खरीद रहे थे अब वो 58 किलो माल खरीदेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट होता है। ये मिसहैंडलिंग की लॉस है, ये मैंने रॉ मटेरियल की वर्किंग बताई है। ऐसे ही मैं बात करता हूं फिनिश गुड्स की। सपोज कर लीजिए एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है मैंने फिनिश गुड्स प्रोडक्शन किया, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ मेरा 5 यूनिट। अब मैंने कहा कि इसमें से डिफेक्टिव थी 2 यूनिट, इनको हम लोग कभी कभी एक नाम यूज करते हैं डाउनग्रेडेड यूनिट। तो डाउनग्रेडेड यूनिट 2 यूनिट थी, तो कस्टमर को सेंड टू कस्टमर, कस्टमर के पास कितनी भेजी मैंने, कस्टमर के पास भेजी मैंने 3 यूनिट। अब कस्टमर ने रिटर्न कर दी फॉर फ्री रिप्लेसमेंट 2 यूनिट, उसने रिटर्न कर दी तो नेट डिलीवरी जो हुई वो 1 यूनिट की हुई। सोचो 5 यूनिट बना के मैं 1 यूनिट डिलीवर कर रहा हूं। ये जो रिटर्न होती है इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिकेशन लॉस, ठीक है ना, और डिफेक्टिव को बोलते हैं डिफेक्टिव यूनिट ट्रेस्ड इन फैक्ट्री प्रीमिसेस। जो फैक्ट्री प्रीमिसेस में हम अगर ढूंढ लें तो वो डिफेक्टिव कहलाती हैं। अब मैंने TQM सिस्टम रखा, मुझे 1 यूनिट डिलीवरी करनी है। मैं कह रहा हूं मेरी अब स्पेसिफिकेशन लॉस 2 की जगह 1 यूनिट रहेगी, तो यानी कि मुझे कस्टमर को कितनी भेजनी पड़ेंगी 2 यूनिट भेजनी पड़ेंगी। और मैं कहता हूं डिफेक्टिव भी मेरी अब 1 ही रहेगी, तो मुझे प्रोडक्शन कितना करना है 3 यूनिट का। तो कंसेप्ट क्या हुआ, TQM से
हमने जो 5 यूनिट में हमारी 1 यूनिट थी, अब हम सिर्फ 3 यूनिट तैयार करेंगे तो 1 यूनिट हमारी फाइनल डिलीवरी एक्सेप्ट हो जाएगी। इट मींस कि आपने 2 यूनिट आपकी जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही थी, जो डिफेक्टिव बेकार हो रही थी, इनका कोई यूज नहीं हो रहा था, वो आपकी बच गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इन टी क्यू एम वी वुड प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन, स्टेटमेंट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायरमेंट बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बिफोर टीक्यूएम एंड आफ्टर टीक्यूएम। तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एक चीज लिख लें, आफ्टर टीक्यूएम आवर लॉस मस्ट रिड्यूस्ड, हैंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम प्रोडक्शन रॉ मटेरियल परचेज वुड बी लोअर एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग सिस्टम सच डिफरेंस इज कॉल्ड सेविंग। ठीक है, चलिए फॉर्मेट समझ लीजिए। स्टेटमेंट सबसे पहले कौन सी बनाएंगे हम, फिनिश गुड्स की, तो इस तरीके से बना लेंगे, ये बिफोर और ये आफ्टर। हम देखेंगे भाई प्रोडक्शन कितना है, इसमें से माइनस करेंगे डिफेक्टिव, फिर तो क्या निकलेगी, ये हमारी ग्रॉस डिलीवरी, इसमें से माइनस करेंगे हम स्पेसिफिकेशन लॉस, तो ये हमारी निकल आएगी नेट डिलीवरी। फिर हमारी ये स्टेटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल बनेगी, जैसे भी मैं ऊपर समझा रहा था वैसे ही बनेगी, कोई इसमें नया वो नहीं है। हम कहेंगे एक्चुअल में हमको यहां से यहां की तरफ चलना पड़ता है, फॉर्मेट ऐसा रहता है। अब नेट डिलीवरी है, इस नेट डिलीवरी के लिए हमें फॉर्मेट तो ये रहेगा कि हमने रॉ मटेरियल परचेज क्या किया, इसमें से स्टोर की लॉस कितनी हुई, तो ये क्या रहेगा, सेंड टू प्रोडक्शन कितना किया, इसमें से प्रोसेस लॉस कितनी है, तो ये आएगा हमारा इफेक्टिवली यूज्ड। एक्चुअल में ये जो प्रोडक्शन होता है इससे हम इफेक्टिवली यूज्ड हमें पता चल जाता है कितना चाहिए, फिर हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करके ऊपर जाते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 एंड अदर
इंफॉर्मेशन सेल परचेज अदर एक्सपेंडिचर की, बी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पहली दो इंफॉर्मेशन जब हमारी मिल जाती है वो मेजर वर्किंग होती है, इसके बाद हम अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बना लेते हैं। ठीक है सर, चलिए थैंक यू। तो ये कॉन्सेप्ट था TQM का, आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड डे।